अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भोलेनाथ, हम इस घर में धर्म की लड़ाई लड़ने आए, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ने आए। सबका साथ होते हुए भी हम इस युद्ध में अकेले। आपने हमेशा हमारा साथ दिया और इस युद्ध में भी हमारा साथ दीजिएगा, इसलिए शंखनाथ कर ले। हर हर महादेव। क्या क्या कर रही हो? मैं चमकीली साफ सफाई विशेषज्ञ। क्या? सफेदी की चमकार, गंदगी को घर से बाहर निकाल। दूध सी सफेदी चमकीली लाए, गंदा सा गंदा घर खिल खिल जाए। भगवान, दुनिया गोल है और इस लड़की की बातें भी गोल गोल है। अरे तुम हो कौन? नई नौकरानी हो क्या? जी जी मालकिन सा। अरे अरे बुछ बुछ। मालकिन सा, मैं चमकीली अठे ना साफ सफाई करने आई हूँ। मारे को ना सारे काम आते, खाना बनाना, पोछा, बर्तन, जो आप कहेंगे। वैसे हारा फिगर देख के मारे को ना लगता है कि आप ज्यादा खाती होंगी, लेकिन आप अगर कहें तो आप जो भी खाना चाहती हैं हम आपको बना के खिला सकते हैं। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, चाइनीज, जो कुछ भी। हमारे गांव में जो मास्टर बावर्ची राजस्थान हो गए ना, मारे को सब में कॉन्सोलेशन प्राइस मिले। मालकिन सा, ये बार बार मालकिन सा क्या बोल रही हो? हम इस घर के मालकिन नहीं है। बोले झूठ ना बोलू। मालकिन सा, आप तो मारे को आगे से पीछे तक मालकिन ही लगे हो। टॉप से बॉटम, लेफ्ट साइड से राइट साइड, हर जगह से मालकिन सा ही लगे हो। अब चाहे कोई टेलीस्कोप से देख ले या फिर माइक्रोस्कोप से। सच्ची? हम तुमको मालकिन लगती हैं? हाँ मालकिन सा, मारे को तो घड़ी घड़ी एक्स्ट्रा मालकिन सा लगे हो। वैसे ना तुम बिल्कुल सच कह रही हो चमकीली। अरे दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। हम ना अपने आप को खुद ही आधी इज्जत तक नहीं देते तो बाकी क्या ही देंगे, बोलो। मालकिन सा, जितने भी काम है ना मारे को जल्दी जल्दी बता दीजिए, हम सारा सफाया। हमारा मतलब साफ सफाई, पुराने से पुराना दाग चमकीली झटपट साफ कर देवेगी। अच्छा सुनो, वैसे तो इस घर के हर सदस्य के लिए सादा दाल चावल ही बनाना पड़ेगा, पर छोटी भाभी, कीर्तन और हमारे लिए 9 पकवान बनाने पड़ेंगे। हाँ क्यों, सबके लिए सादे दाल चावल क्यों?
और दादी? मारा मतलब दादी तो उम्र में बड़ी हो गए है ना, दादी के लिए तो खास खाना बने, और ये कीर्तन और छोटी भाभी बुक्कड़ है क्या जो उनके लिए इतने सारे पकवान बनेंगे? चुप, जितना कह रहे उतना करो। जी आप मालकिन हो, आप जो कहें। हाँ फिर जाके वो ऊपर की सफाई और फिर भैया के रूम की। राजस्थान में ना छोरियों को भी कटार चलाना सिखावे, कहीं तो निकाले। ए, ये मालकिन नहीं है, मैं मालिक हूँ। ये कोइंसिडेंस नहीं है क्या कि सुंदरी इस घर से गई और ये नौकरानी आज ही आ गई? अरे कीर्तन, तुम्हें ने हमसे कहा था कि तुरंत एक नई नौकरानी का इंतजाम कीजिए, तो हमने उस कोऑर्डिनेटर को कॉल किया और फिर उसने ये भिजवाया। वो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता इसकी पर्सनालिटी, इसकी हाइट, इसका फिगर बिल्कुल शक्ति जैसा? ये देखो, हमने ना कभी शक्ति के फिगर को जांचा नहीं है, पर हाँ वो भी पतली थी और ये भी पतली सी है। बुआ, मैंने शक्ति के फिगर का एक्सरे किया और इस लड़की की रिपोर्ट और शक्ति के एक्सरे की रिपोर्ट बिल्कुल सेम। मालिक साहब के बात कर रहे हो, मैं कोई शक्ति वक्ति ना हूँ, मारा नाम ना चमकीली है, साफ सफाई विशेषज्ञ। मारे को ना इस नौकरी की घनी जरूरत है, मारे को प्लीज प्लीज ये नौकरी दे दीजिए। नौकरी चाहिए, मिल जाएगी, मुंह मांगी पगार भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। रिवाज है पराए मर्द के सामने चेहरा ना दिखावे, और जो काम करना है करके दिखाती हूँ, लेकिन मैं चेहरा ना दिखा सकूं, मारे को घना पाप लगेगा। चेहरा दिखा छोकरी, नहीं तो नो नौकरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।